वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चन जहां पर हम थ्री डाइस को थ्रो कर रहे हैं। थ्री डाइस को थ्रो करने पर बेटा आउटकम्स हैं वो 216 आउटकम्स होते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो मोस्टली मेजरली थ्री डाइस के क्वेश्चन जो है आप क्लास 11th एंड 12th में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 6 क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और जहां पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। सो लेट्स चेक द वीडियो। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने तीन डाइस थ्रो किए हैं, हमें फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन डाइस का जो आउटकम है उनका सम जो है वो 17 होगा। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, तो हर डाइस पर 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं और इनको जब हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो जो टोटल आउटकम होंगे दोज विल बी 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, दैट इज 216 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ दिया। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन से हैं, सम जो है उन आउटकम्स का 17 होना चाहिए और 17 के लिए वी कैन टेक द आउटकम्स एज 5 6 6, दैट गिव्स सम 17। और इसी को आपस में थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, सो विल गेट 6 5 6 एंड 6 6 5। इन तीन केसेस में हमारे पास सम 17 आ रहा है, देर इज नो अदर वे टू गेट सम एज 17। तो हमारे फेवरेबल केसेस दोज आर 3 एंड दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 17 इज फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट्स 3 अपॉन 216 विच इज 1 अपॉन 72, एंड दैट्स आर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, अगेन तीन डाइस हमने थ्रो किए हैं और हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो सम है दैट विल बी 5। लेट्स चेक आवर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, दैट्स टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट्स 216, फेवरेबल आउटकम्स दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर सम हमारे पास 5 होना चाहिए। अब तीन आपको जो है नेचुरल नंबर्स लेने हैं, उनको जोड़कर सम जो है वो 5 आना चाहिए। सो ईजिएस्ट वन इज व्हेन वी से 113, दैट्स द ईजिएस्ट वन। और 113 को आपस में हम अरेंज करेंगे, यू विल गेट 131 311, दीज आर द न्यू आउटपुट्स, है ना। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस हैव गॉट 11, थर्ड डाइस हैव गॉट 3 और लास्ट वाले में फर्स्ट डाइस हैज गॉट 3, सेकेंड एंड थर्ड हैज गॉट 11। और क्या पॉसिबिलिटीज हैं टू गेट सम एज 5? यस, वी कैन हैव 122। तो यहाँ पर वापस 122 को आपस में अरेंज कर रहे हैं, वी आर गेटिंग टोटल 3 मोर पॉसिबिलिटीज। तो हमारी टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 6 एंड दस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 5 इज 6 बाय 216 विच इज 1 अपॉन 36, एंड दैट्स आर आंसर। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अगेन यहाँ पर वही तीन डाइस हम थ्रो कर रहे हैं और हमें फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे आउटकम्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 होगा। तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। हमारा जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स दोज आर ऑफकोर्स 216, टोटल फेवरेबल आउटकम्स दैट्स वॉट वी हैव टू फाइंड। तो फेवरेबल आउटकम्स वो हैं जहाँ पर तीनों जो डाइस का आउटकम है उनका प्रोडक्ट जो है वो 6 होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 116, तो 116 में प्रोडक्ट इज 6 और इसको आपस में अरेंज करेंगे तो 6 जो है यहाँ पर थर्ड डाइस में है, इट कैन कम इन फर्स्ट सेकेंड डाइस और फर्स्ट डाइस। सो टोटल तीन आउटकम्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो 6 है। बट वेट 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 वेट, क्या ये ही सिर्फ एक आंसर है? एनी अदर पॉसिबिलिटी? यस, वी हैव गॉट 1 टाइम 2 टाइम्स 3, दैट्स ऑल्सो 6। सो 1 2 3, इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 2 3 को अरेंज करेंगे तो 1 3 2 इज ऑल्सो पॉसिबल। 1 की जगह अगर 2 आ रहा है फर्स्ट डाइस पर
तो 2 1 3 एंड 2 3 1। अगेन फर्स्ट डाइस पर अगर 3 आ रहा है तो 3 1 2 एंड 3 2 1। तो बेसिकली 1 1 6 से हमारे पास 3 आउटकम्स आ रहे हैं एंड 1 2 3 से हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल बिकम्स 9। सो वी हैव गॉट 9 फेवरेबल केसेस आर देयर एंड दस प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 आउटकम्स इज 6 इज नथिंग बट 9 अपॉन 2 1 6 विच इज 1/24 एंड दैट्स आर आंसर। चलें जी, फोर्थ क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर अगेन 3 डाइस हमने थ्रो किए हैं और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि उन 3 डाइस का जो आउटकम है, क्या चांस है कि सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं डाइस पर वो सब इवन होंगे। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। हमारे फॉर्मूले में ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोज आर 2 1 6, फेवरेबल आउटकम्स इज वेयर वी हैव टू फाइट। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? तीनों डाइस पर इवन नंबर आने चाहिए। तीनों डाइस पर इवन का मतलब है जो डाइस 1 है उस पर कौन से नंबर आ सकते हैं? 2 4 6। सेम वे डाइस 2 पर 3 नंबर्स कैन कम 2 4 6 एंड डाइस 3 नंबर्स कैन कम 2 4 6, है ना। अब इनके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं तो बेटा उसको अगर हम प्रैक्टिकली लिखकर कैलकुलेट करेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना। इफ यू आर राइटिंग सर पॉसिबल इज 2 2 2 2 2 4 2 2 6, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉजिकली बात करेंगे, जैसे हमने डाइस के टोटल आउटकम्स निकाले थे 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, क्योंकि डाइस पर 6 नंबर्स पॉसिबल हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें डाइस पर अगर सिर्फ 3 नंबर्स हैं 2 4 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, दैट इज 27। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड देन काउंटिंग, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग बाय लॉजिकल, दैट्स इट्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और 27 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर जहां पर तीनों डाइस में इवन नंबर्स आएंगे एंड दस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल इवन नंबर, दैट्स 27/216 विच इज 1/8 एंड दैट्स आर आंसर। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। यहां पर वापस हमने 3 डाइस थ्रो किए हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन तीनों में से एटलीस्ट एक नंबर जो है वो 6 होगा, है ना। कम से कम एक नंबर 6 होना चाहिए। भाई मुझे 6 बहुत पसंद है और 3 डाइस थ्रो किए हैं, तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट आई एम स्माइलिंग, आई एम हैप्पी। तो यहां पर लेट्स अप्लाई आर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तो अब डट गया हमें 2 1 6, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स, यहीं पर हमारी सारी फाइट है। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? कम से कम एक 6 आना चाहिए, है ना। और यहां पर इट्स इजियर टू कैलकुलेट, है ना, क्योंकि एक 6 भी हो सकता है, 2 6 हो सकते हैं, हो सकता है 3 6 आ जाए। तो इट्स मच इजियर टू कैलकुलेट वो केसेस जहां पर 6 नहीं आ रहा है, है ना। तो वो केसेस कौन से हैं जहां पर एटलीस्ट एक 6 है? दैट विल बी टोटल सारे केस, और उनमें से हम माइनस करेंगे वो वाले केस जहां पर एक भी 6 नहीं है, ठीक है। टोटल केस ये तो हमें पता है 2 1 6, और वो जहां पर एक भी 6 नहीं है, तो बेटा अगर डाइस में 6 हम हटा ही दें तो टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? तो 5 आउटकम्स रह जाएंगे हमारे पास, है ना, 5 5 5। तो जहां पर एक भी 6 नहीं है वो आउटकम्स कितने होंगे? 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो सारे जो केसेस हैं उसमें से अगर हम माइनस कर रहे हैं वो केस जब एक भी 6 नहीं है, तो हमारे पास बचेंगे वो केस जहां पर एटलीस्ट एक 6 जरूर होगा, एंड दैट इज 91। तो इस केस में हमारे फेवरेबल केसेस हैं 91 एंड दस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6 इज 91/216 एंड दैट्स आर आंसर। चैलेंज सिक्स क्वेश्चन, काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन से, बट लास्ट में थोड़ा सा इसमें सम न्यू थिंग वी विल लर्न। तो इस क्वेश्चन में वापस 3 डाइस हमने थ्रो किए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन तीनों के आउटकम का जो प्रोडक्ट है वो हमारा ऑड होगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है
उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगेन इट इज 216। फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज जहां पर भी प्रोडक्ट ऑड होगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम है ना। और यहां पर हम अपना फैक्ट यूज करेंगे कि तीन नंबर्स जो डाइस पर आएंगे, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब तीनों नंबर जो है वो ऑड होंगे, है ना। तीनों नंबर ऑड होंगे तो इसका मतलब है डाइस वन पर पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 1, 3 एंड 5, दैट्स 3 पॉसिबिलिटीज। डाइस टू पर क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स ओनली ऑड नंबर्स कैन कम इन डाइस टू, सो दैट प्रोडक्ट रिमेन्स ऑड। डाइस थ्री सेम 1, 3, 5, 3 पॉसिबिलिटीज, है ना। जब डाइस पर 6 पॉसिबिलिटीज थी तो टोटल आउटकम्स वर 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। अगर डाइस में 3 पॉसिबिलिटीज है तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स विल बी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, विच इज 27। एंड दस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट एज ऑड इज 27/216, विच इज 1/8, एंड दैट्स आर आंसर। और यहां पर विच आई वाज सेइंग समथिंग न्यू टू लर्न, तो बेटा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम बोलते हैं फाइन प्रोबेबिलिटी जहां पर तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो इवन होगा, है ना। तो इवन के लिए भी आप एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, यही ऑड वाला पहले आप फाइंड करेंगे, और इवन में आप बोलेंगे कि भाई 8 में से एक बार अगर ऑड है तो बाकी 7 टाइम्स नंबर हैज टू बी इवन। तो इवन का जो आंसर होगा दैट विल बी 7/8। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है पसंद आए हैं एंड आपने सॉल्यूशन भी खूब इंजॉय किया है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय।